कि आज हम सेशन स्टार्ट करने जा रहे हैं। इस सेशन के अंदर हम लोग मल्टी ब्रांच के बारे में सीखेंगे कि मल्टी ब्रांच होते क्या है और किस पर्पस के लिए यूज़ होता है। जैसे कि आप सभी जानते हैं, जो बड़ी बड़ी कंपनियां होती हैं उनकी अलग अलग ब्रांचेज होती हैं। सपोज करो एक हमारी कंपनी है ABC लिमिटेड, एक कंपनी है ABC कंपनी मान लेते हैं, इसकी दो ब्रांचेज हैं, एक ब्रांच दिल्ली में है और दूसरी ब्रांच यूपी में। ठीक है, एक ब्रांच दिल्ली में, एक ब्रांच यूपी में। ये दिल्ली और ये ब्रांच आपकी यूपी में, क्लियर है? अगर इस दोनों ब्रांचों को बिजी में मैनेज करना हो तो हम कैसे करेंगे, ये हमारा टास्क है। जैसा आप सभी जानते हैं, जब ब्रांच की बात आती है तो इसका स्टॉक हमें अलग मेंशन करना पड़ेगा, इसकी टोटल पार्टी हमें अलग मेंशन करनी पड़ेगी, ठीक है, इसका टैक्स हमें अलग से मेंशन करना पड़ेगा और साथ साथ इसकी बैलेंस शीट हमें भी साथ साथ मेंटेन करनी पड़ेगी। पार्टी भी अलग अलग मैनेज हो, बैलेंस शीट भी मैनेज हो, ये सब काम हम कैसे कर सकते हैं? उसके लिए हमें बिजी करने एक टॉपिक यूज करना होता है, जिस टॉपिक का नाम होता है मल्टी ब्रांच। क्या होता है? मल्टी ब्रांच। तो कहाँ आएंगे आप? एडमिनिस्ट्रेटर के अंदर आएंगे, कॉन्फ़िगरेशन, फीचर ऑप्शन, इंडेमाइज फीचर के अंदर आपको लास्ट टॉपिक मिलता है जिसका नाम होता है आने बाद HO, मतलब होता है हेड ऑफिस, और BO मतलब होता है ब्रांच ऑफिस। क्या होता है? आपने बहुत से कंपनी के एड्रेस के नीचे लिखा होगा HO देखा होगा, HO मतलब होता है हेड ऑफिस और BO मिलता है ब्रांच ऑफिस, क्लियर है? इसीलिए मैं आपके सामने कंपनी को क्रिएट कर रहा हूँ जिस कंपनी का नाम है दिल्ली हेड, क्या रखा है मैंने, ऑफिस, क्लियर है? ये कंपनी मेरी हेड ऑफिस, चलो ये मान लो ओहो बनाया था दिल्ली हेड ऑफिस, ठीक है, ये कंपनी हमारी बन गई। अब हमें दो कंपनियां और बनानी इसी कंपनी के अंदर, जिसकी बैलेंस शीट अलग मेंटेन हो, जिसका स्टॉक अलग मेंटेन हो, जिसका सब काम ऑटोमेटिक मेंटेन। वो हम कैसे करेंगे? बस जस्ट अभी कंपनी बन जाएंगी फिर मैं आपको दिखा। समझ में आया ना हेड ऑफिस और मल्टी ब्रांच का टॉपिक किस लिए यूज होता है? क्योंकि आप सभी जानते हैं जब हम रिटर्न भरते हैं तो उसके अंदर हमें GST नंबर ही मेंशन करना पड़ता है। सपोज ये दिल्ली का है तो उसका हो सकता है 07 से GST नंबर, हो सकता है क्या होगा ही 07 से। अब ये यूपी है तो उसका कॉमन सी बात, उसका GST नंबर कितने से होगा? 09 से होगा। तो उस केस में आप लोग उसकी इन्वेंटरी कैसे मैनेज करोगे? आप किसी कंपनी के हेड हो तो कैसे मेंटेन करोगे? जैसे मेरी कंपनी में चार है, अभी हम लोग दिल्ली ब्रांच में बैठते हैं, मैं, सुमित, आकांक्षा और मैं, हम तीनों एक साथ एक ही ब्रांच में काम करते हैं। हमारे साथ 8 लड़के और काम करते हैं सेल डिपार्टमेंट में, 4 डिपार्टमेंट मार्केट डिपार्टमेंट में काम करते हैं, एक उनकी कंपनी यूपी में भी है, उनमें 8 डिपार्टमेंट अलग बैठे हुए हैं। तो लोग कैसे मैनेज करेंगे, कैसे अकाउंटिंग करेंगे? तो क्या यूज़ करते हैं? मल्टी ब्रांच यूज करते हैं। मैं डे बाय दोनों की बैलेंस शीट चेक करता हूँ कि यूपी का बैलेंस शीट सही चलिए, दिल्ली की बैलेंस शीट सही चलिए। तो इसलिए इस टॉपिक का बहुत ज़्यादा यूज़ हो जाता है। कल मैं आपका एक टॉपिक और सिखाऊंगा जिसका नाम होगा SQL सर्वर। आज तक मैंने वो टॉपिक कभी डिस्कस नहीं करा, ना ही मैंने कभी उसकी वीडियो बनाई है। कल जो टॉपिक हम मैं आपके साथ पहली बार डिस्कस करूंगा जिसका नाम होगा SQL, जिसकी फुल फॉर्म होती है स्ट्रक्चर क्वेरी लैंग्वेज, जो BG से बिल्कुल सेपरेट है। कल आपको डाटाबेस के बारे में पता चलेगा इसी सेशन में, मतलब इसी टॉपिक के अंदर। कंपनी बन गई, कल जो टॉपिक सिखाऊंगा ना उसमें इस कंपनी को बनने में 1 मिनट भी नहीं लगेगा, डाटा की स्पीड डबल हो जाएगी। यहाँ दिल्ली लिखा और सेव कर दिया। इसी कंपनी के अंदर दो ब्रांचेस मुझे और बनानी है, मैं क्या करूंगा, इंडेक्स फ्यूचर के अंदर आऊंगा और यहाँ से अनेबल ब्रांच ऑफिस। क्या सर आप कौन हो? मैंने बोला ब्रांच ऑफिस। नहीं सर मैं कौन हूँ? हेड ऑफिस। और कर
इजी मेंटेन नहीं कर सकता। अच्छा सॉरी, ये इसको एक मिनट, ये टॉपिक अनेबल करना, क्लियर है? अनेबल मल्टी ब्रांच, इस पर क्लिक करेंगे। सबसे पहले पूछा ब्रांच कौन सी है, तो आप एक नई बना लो, ऐड ब्रांच। क्या नाम रखा इस ब्रांच का? यूपी। क्या लिखा? क्रिएट वाउचर सीरीज ग्रुप। जानते क्या होता है? आपको इससे पहले एक सेशन में मैंने सिखाया भी था, इस सेशन में सिखाया था, अभी दोबारा रिपीट कर दूंगा। तो यहां पे मैंने ऐड लिख दिया यूपी। यस, क्रिएट यूजर, ऑटोमेटिक यूजर ही बना दो, उसका एमसी बना दो, एमसी होता है मटेरियल सेंटर, और क्लिक करो। जैसे ही आप इसको यस करेंगे, इसे यस होते के साथ ही आपकी बीजी के अंदर एक दिल्ली ब्रांच बन जाएगी और एक यूपी ब्रांच बन जाएगी, क्लियर है? इसका एलियास नंबर, अगर आप इसका जीएसटी नंबर डालना चाहते हो तो इस पर क्लिक कर दो, यहाँ पर लिखा होगा कॉन्फ़िगर, तो इस ब्रांच के लिए जीएसटी डिटेल मैच हो जाएगी। डाल दो 09FSNPS489 0C1Z6 और सेव कर। ये कौन सी ब्रांच के लिए हो गया? दिल्ली ब्रांच की और यूपी ब्रांच की हो गई। एक और ब्रांच बना लो, यस यस और ओके। जैसे ही आप इसको यस करेंगे, आपके सिस्टम में ऑटोमेटिकली कितनी ब्रांचेस क्रिएट हो जाएंगी? तीन ब्रांच, एक दिल्ली हो जाएगी, एक यूपी हो जाएगी और एक उत्तर, क्लियर है? एंड देन सेम यही प्रोसेस आप यहाँ से भी कर सकते हैं। अब मैं बॉम्बे की बात करूँ तो 27 होता है, तो 27 टाइप कर लेता हूँ। क्लियर है? हो गया। अब इस काम को ध्यान से आप देखेंगे और समझेंगे तो उसके बाद क्या होगा, अब आपके सिस्टम में जब भी सेल करोगे तो आपको तीन ब्रांचेस मिलेंगे, मेन, बॉम्बे, यूपी। दूसरी सबसे प्लस पॉइंट क्या है कि आप बैलेंस शीट निकालोगे तो आपसे मेन, बॉम्बे, यूपी दोनों पूछेंगे, क्लियर? आप चाहते हो कि जब यूपी वाले इस कंपनी को खोले तो यूपी का डाटा दिखे, दिल्ली वाले खोले तो दिल्ली का डाटा दिखे, और बॉम्बे वाले खोले तो बॉम्बे। तो आप सभी को पता है लास्ट टाइम मैंने आपको एक टॉपिक सिखाया था, उस टॉपिक का नाम था अनेबल मास्टर सीरीज ग्रुप। इसको अनेबल करना था, उसके बाद अकाउंट, अकाउंट जो भी आपको टिक करना था वो कर देना। ये हो जाने के बाद इसको सेव करना था। उसके बाद आप क्या करते थे, आप यूजर के अंदर जाते थे, बॉम्बे का जो यूजर बनता था उसके अंदर ये टैग कर देते थे मास्टर सीरीज, F3 करके, कौन सी, बॉम्बे की, और सेव कर देते थे। इसी के साथ साथ एक यूपी सीरीज बनाते थे और यूपी सेलेक्ट कर देते थे, करते थे ना आप लोग, सेफ हो जाती थी। सेफ हो जाने के बाद जब आप पार्टियां बनाते, जैसे आपने एक पार्टी बनाई A1, हमने जैसे डेप्टस रखा ना, तो इसने हमने पूछा मेंटेन ब्रांच वाइज ओपनिंग बैलेंस, इसका ओपनिंग बैलेंस ब्रांच वाइज है, यूपी में कितना है, दिल्ली में कितना, तो आप मेंटेन कर सकते। आप इसको जैसे ही सेव करेंगे, देखो यहाँ लिखा भी है ब्रांच वाइज ST और PT इंफॉर्मेशन, ठीक है? ST मतलब सेल प्राइस और PT, ठीक है ना? ब्रांच वाइज आपका इसको टैगिंग कर सकते हैं। उसके इसको जैसे आप इसको सेव करेंगे, सीरीज मांगेगा, मैंने इसको सीरीज क्या दे दी, यूपी दे दी और सेव कर दी, सेव हो गई। ऐसी एक B1 बनाई पार्टी, सेव कर दी और यहाँ इसको बॉम्बे नाम दे दी और सेव कर दी, क्लियर? उसके बाद जब आप इसमें आइटम बनाते हो ना, आइटम का स्टॉक भी आप ब्रांच वाइज कर सकते हो। नीचे एक टॉपिक मिला जिसका नाम है ब्रांच वाइज प्राइस इंफॉर्मेशन। इस बॉम्बे के लिए ये 120 रुपए की है, सेल प्राइस 110 रुपए का है, और यूपी के लिए यही माल 110 रुपए का है, प्राइस 105 रुपए, और हमने सेव कर दिया। और ये किस में दिखे? यूपी ब्रांच में दिखे, बॉम्बे ब्रांच में, क्लियर? अब जैसे इस कंपनी को आप बंद करके ऑन करेंगे दिल्ली हेड ऑफिस को, किससे, यूपी, और पासवर्ड भी यूपी होगा, क्लियर? जैसे आपने इस कंपनी को खोला और यहाँ से एंटर मारा, तो पार्टी क्या दिखी, खाली A1 दिखी, क्योंकि हमने पार्टी के साथ उसको टैग कर दिया। यूपी की पार्टी यूपी को दिखेगी, दिल्ली की पार्टी दिल्ली को दिखेगी, और बॉम्बे की पार्टी खाली बॉम्बे को दिखेगी, क्लियर?
गया, नहीं आया, दोबारा रिविजन करता हूँ। देखिए कंपनी बना जिस कंपनी का नाम था दिल्ली हेड ऑफिस। ये कंपनी एक ऐसी कंपनी जो कई सारी ब्रांचेस को भी हैंडल करती है, जस्ट लाइक एग्जाम्पल के लिए आपने यहाँ पर समझ सकते हैं यूपी और बॉम्बे, इन ब्रांचों को भी ये हैंडल करती है। क्लियर? अब हमें उसका स्टॉक भी मेंटेन करना होती है, पार्टी भी मेंटेन करनी होती है, टैक्स भी मेंटेन करना होता है और बैलेंस शीट भी मेंटेन करनी होती है। लेकिन अब ये एक कंपनी नहीं, ये तो है कंपनी, लेकिन हमें पार्टीशन ब्रांच वाइज स्टॉक भी मेंटेन करना होता है, ब्रांच वाइज बैलेंस शीट भी बनानी होती है और साथ साथ पार्टियों को भी हैंडल करना होता है। मैं चाहता हूँ यूपी की पार्टी किसी बॉम्बे वाले को दिखे और बॉम्बे वाले की पार्टी यूपी को दिखे, तो मैंने एक कंपनी बनाई जिस कंपनी का नाम दिल्ली हेड ऑफिस रखा और इसके अंदर दो ब्रांचेस क्रिएट कर दी इंटरफेस फीचर्स के अंदर जाकर, अनेबल मल्टी ब्रांच डिटेल में दो ब्रांचेस बना दी, पहली ब्रांच बॉम्बे बनाई और दूसरी ब्रांच यूपी बनाई और साथ साथ इनके अंदर जीएसटी नंबर को भी टैग कर दिया। क्लियर? जब यूपी से बिल बनेगा तो ये जीएसटी नंबर पिक होगा और जब दिल्ली से बनेगा तो ये जीएसटी नंबर पिक होगा। क्लियर? उसके बाद मैंने यहाँ पर जाके इसको टैग कर दिया कि इसके सीरीज करना, जो यूपी की पार्टी वो यूपी को दिखे और जो दिल्ली की पार्टी वो खाली दिल्ली को ही दिखे। ठीक है? उसके बाद सेव कर दिया। लेकिन सेव करने के बाद हमें इसको टैग भी करना होता है। टैग करने के लिए हम क्या करते हैं, यूजर के अंदर गए और हमने यहाँ से पार्टी को टैग कर दिया, जैसे क्या बोला स्पेसिफाई मास्टर सेज ग्रुप, बॉम्बे हो तो बॉम्बे दिखे, यूपी हो तो यूपी दिखे। क्लियर है? ये हो जाने के बाद मैंने कंपनी को बंद करा और अगेन उसी यूजर से इस कंपनी को खोला जो यूजर मेन था बॉम्बे, तो बॉम्बे यूजर से इस कंपनी को खोल दिया। क्लियर है? ये आपका टॉपिक हो गया। अब इसका बेनिफिट ये है कि आप इसकी जब यूपी के बैलेंस शीट देखोगे तो खाली यूपी की बैलेंस शीट दिखेगी, यूपी में पूछेगा नहीं दिल्ली की देखनी है बॉम्बे की देखनी, क्योंकि यूपी तो एक ही ब्रांच है उसका, खुद दिखे, हेड ऑफिस के पास पावर है ना वो सब कुछ कर ले। देखो उसकी बैलेंस शीट अलग चल रही है, यूपी खुली हुई है नहीं बॉम्बे खुली हुई है, बॉम्बे की अलग है, सेल करेगा तो बॉम्बे का डाटा अलग सेव होगा क्योंकि सीरीज किसके बनी हुई है बॉम्बे के नाम से बनी है, पार्टी उसको कौन सी शो करेगी बॉम्बे की शो करेगी। दूसरा प्लस पॉइंट क्या है, जब आप स्टॉक मेंटेन करेंगे तो यहाँ से ब्रांच वाइज स्टॉक भी मेंटेन होता है, अब यहाँ तो नहीं आएगा दिल्ली वाले के पास आएगा वो सुपर यूजर के पास पावर, इसे बोलते हैं ब्रांच। क्लियर? स्टॉक भी मेंटेन होगा, ब्रांच वाइज सब कुछ मेंटेन होगा सेपरेट सेपरेट, जस्ट लाइक एक हेड है उसके सब पार्ट बने हुए। जैसे मैं एग्जांपल के लिए यहाँ पर एक बना लूं, यहाँ एक जो एक कंपनी है इसके साथ कितनी ब्रांचेस हो उनका रिकॉर्ड हम सेपरेटली देख सकते हैं, एक एक करके ऐसे कई सारी ब्रांचेस इसके साथ जुड़ी हुई हैं, ब्रांचेस बना। क्लियर है? बॉस बस टॉपिक यूजर के केस तो दूसरा हो जाता है, इसके अंदर हर चीज़ को मेंटेन करना होता है, यूजर तो खाली कंपनी को कई तरीके से खोल लेता, इसके अंदर क्या है इस कंपनी के अंदर काफ़ी चीज़ें आपको अलग मिल जाएंगी। क्लियर है? ये आपका टॉपिक था जैसे हम लोग कहते हैं मल्टी ब्रांच वाइज स्टॉक बैलेंस शीट, आप कुछ भी कह सकते। क्लियर है?